Bayan is not stingy. Mickey! अरे वाह हवाई जहाज हैं सर हम मुश्किल में हैं फ्यूल की टंकी लीक कर रही है और हम लगातार नीचे की ओर जा रहे हैं सर हवाई जहाज नीचे जा रहा है हाँ अरे ये क्या ये जहाज तो नीचे गिर रहा है क्या करूँ क्या करूँ अब हम क्या करें अरे हम तो फिर से ऊपर उड़ने लगे ये कैसे हो सकता है ये हवाई जहाज तो बहुत ही भारी है अब मैं इससे ज्यादा ताकत नहीं लगा सकता भूभी पाको पायान जल्दी आओ मेरी मदद करो मैं अब नहीं उड़ सकता अब मैं क्या करूं? पर मैन तुमने इसे उठाकर बड़ी हिम्मत का काम किया हाँ तुमने तो कमाल कर दिया शुक्रिया पर मैं आ रही हूँ भूभी मैं इसे अकेले उठा सकता हूँ तुम जाकर उसका ध्यान रखो चलो जल्दी जाओ ओह जरा ये देखिए दोस्तों बेहद चमत्कारी ढंग से इस गिरते हुए हवाई जहाज को क्रैश होने से बचा लिया गया है जिसमें करीब 200 यात्री सफर कर रहे थे और ये कारनामा कर दिखाया है बमैन नंबर 4 पायान ने ये सब क्या ये सब कैसे हुआ क्या आप बता सकते हैं मैंने उन्हें नहीं बचाया ये सब तो परमैन ने किया आप बता सकते हैं ये कमाल की शक्ति आपको कैसे मिली ये सब मेरी शक्ति का कमाल नहीं है पायान प्लीज अपना एक बढ़िया सा क्लोजअप दीजिए आप सबको गलत फहमी हो रही है मिस्टर पायान आपकी मनपसंद हीरोइन का नाम बताइए अब बस कीजिए मुझे परमैन की फिक्र हो रही है मैं जा रहा हूँ यहाँ से मैं चला इतना काम करके मुझे भूख लग गई है चलो चलकर कुछ खाते हैं बिल्कुल नहीं मैं नहीं जाऊँगा देखो वहाँ बहुत टेस्टी नूडल्स मिलते हैं चलो चलकर हम सब नूडल्स खाते हैं अगर ये बात है तो चलो वाह ये तो काफी टेस्टी है ट्रीट के लिए शुक्रिया आज तो बहुत खा लिया बिल कितना हुआ सर कुल मिलाकर 140 रुपए हो गए सर मतलब कि हर एक के हिस्से में 35 रुपए आएंगे कुछ ज्यादा महंगा नहीं है अच्छा ये लो मेरे पैसे और मजा आया एक मिनट बाकी के बचे पैसे कौन देगा अपना अपना बिल खुद भरो क्या कह रहे हो ये ट्रीट नहीं थी पाको तुम इतना चौंक क्यों गई मैंने तो एक बार भी ट्रीट का नाम नहीं लिया था अरे नहीं अब क्या मुझे तो यही लगा था कि पायान पैसे भरेगा मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है बहुत हो गया तुम्हारा ये नाटक चुपचाप पैसे चुकाओ वरना चलो कल लौटा देना ये लीजिए आपके पैसे कबाब पायान ने हवाई जहाज को घिरने से बचा लिया कमाल कर दिया अब से वही मेरा फेवरेट परमैन है आखिर पायान है ही इतना होशियार हैरानी की बात है कि उस वक्त परमैन क्यों नहीं आया परमैन भी वही पायान का साथ दे रहा था तो फिर उसका नाम अखबार में क्यों नहीं है ये सब मैं क्या जानूं? देखा उसके दोस्त को जरूर वो भी उस वक्त ऐसे ही डर गया होगा तभी तो उसने मिसो जैसे डरपोक से दोस्ती कर ली यही बात है वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे और तुम चुपचाप देख रहे थे पाको बूबी
तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? पहले पायान की बातें सुनी, अब इन दोनों की बातें सुनी। तुम में थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं है? हिम्मत तो है, लेकिन मैं भी क्या करता, ना तो पायान को संभाल सकता ना ही इन दोनों को। पता नहीं तुम किस तरह के लड़के हो, मैं तुम्हारी जगह होती तो इन सबको मजा चखाती। एक मिनट, पहले तुम मुझे ये बताओ कि मुझे इस तरह डांटने वाली तुम कौन होती हो? हाँ बताओ, बोलो बोलो। चुप रहो, तुम में लड़कों वाली तो कोई बात है ही नहीं। अरे तुम इतना इतरा क्यों रही हो, पहले खुद को तो देख लो कि लड़की बनने लायक हो भी या नहीं। क्या कहा? एक लड़की होकर हमेशा दादागिरी दिखाती रहती हो, तुम्हें देखकर कोई नहीं कहेगा कि तुम एक लड़की हो। लड़की तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं ऐसा बताओ तभी कहती हूँ चप्पल पहन होती हूँ, वैसे भी मैं बहुत शांत लड़की हूँ, बहुत ही शांत। तुम और शांत, अच्छा मजाक है। मेरा मजाक उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे तुम तो जरा जरा सी बात पर भड़क जाती हो, छोड़ो मुझे। ठीक है, एक अच्छी लड़की होने के नाते मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। शुक्रिया बूबी, तुमने मुझे गिरने से बचा लिया। अब मैं नहीं बूबी, मुझे रोकने की कोशिश मत करो, आज मैं इसे सबक सिखा कर ही रहूँगा, समझती क्या? तुमने मुझे मारने की जरूरत की, तुम इस मामले से दूर ही रहो तो अच्छा है। अरे बूबी, तुम इतना अचानक तेज कैसे उड़ने लगे? क्या कहा? पमैन और पाको ने तुम्हें यहाँ फेंका, वो आपस में ना समझो की तरह लड़ रहे हैं। क्या क्या कह रहे हो बूबी, उनकी लड़ाई की वजह मैं हूँ? मुझे हराओगी, अभी देखता हूँ। लड़ना बंद करो, ये तुम लोगों को शोभा नहीं देता। भाई और तुम हमारी फिक्र ना करो तो ही अच्छा होगा, कोई तुम्हें ऐसा करते हुए देख ले तो कितना बुरा लगेगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अच्छा तो ये बात है, अब समझा, यानी तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे अगर मैं तुम सबको डिनर पे ले चलूँ तो? पायान, पहले तो तुम हमें इतने बड़े होटल में लाए और अब इतना सारा खाना ऑर्डर किया, अरे आखिर बात क्या है? दरअसल मैं जानता था कि बढ़िया खाना मिलते ही तुम दोनों का गुस्सा शांत हो जाएगा। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इतने छोटे से झगड़े के लिए इतना बड़ा खर्चा क्यों किया? हाँ ओहो, फिक्र मत करो, ये मेरी तरफ से तुम लोगों को ट्रीट है, लो तो सही। हाँ मैं किसी भी कीमत पर तुम लोगों का झगड़ा बंद करवाना चाहता था। पूरी सूप पीते वक्त इतने जोर से आवाज करना अच्छी बात नहीं होती है। लाओ बूबी, मैं तुम्हें काट कर देती हूँ, ठीक है? ओ बूबी, तुम तो एक छोटे बच्चे हो। पाको एक अच्छी लड़की की तरह बूबी का कितना ध्यान रख रही है। वैसे वो हवाई जहाज उठाना कितनी हिम्मत का काम था। बस अब मेरा पेट भर गया। शुक्रिया, दोबारा जरूर आना। पाको, मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा उसका बुरा मत मानना, हाँ मुझे माफ कर दो। दरअसल मैं तुम पर कुछ ज्यादा ही भड़क गई थी, प्लीज मुझे माफ कर देना, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, माफ किया ना। पायान, तुमने तो कमाल कर दिया, हमारा झगड़ा मिनटों में सुलझा दिया, वरना पता नहीं हम लोग क्या कर बैठते। नहीं, मैंने कोई कमाल नहीं किया। शायद अब मैं तुम्हें समझ पाई हूँ, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने दयालु हो, तुम कंजूस नहीं बहुत अच्छे हो। अरे हाँ, मुझे याद आया, तुम लोगों ने पिछले डिनर के पैसे नहीं चुकाए हैं, उस रात जो नूडल्स खाए थे याद है? अब ट्रीट ट्रीट है और उधार उधार, चलो जल्दी से अब 35-35 रुपए निकालो, चलो जल्दी निकालो। ये लो, तुम कभी नहीं सुधरोगे। ये लो मेरे पैसे। लो, अगर सब 35-35 रुपए मिला है तो कुल मिलाकर होता है 105। हाँ इतना ही पैसा मुझे लेना था। तो पाको, परमान और बूबी, अब मैं चलता हूँ, बाय। हाँ, पायन को मैं कभी नहीं समझ पाऊंगी। वाकई समझ पाना मुश्किल है कि वो कंजूस है या दयालु, आपको कुछ समझ आया?